गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट इज मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे। यहीं क्रॉप का मीन्स होता है फसल और प्रोडक्शन का मीन्स होता है उसको प्रोड्यूस करवाना, उससे को प्राप्त करना, उसको ग्रो करवाना। एंड वर्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिकली तरीके से मैनेज करना, वो होता है मैनेजमेंट। तो यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो हम फसल बोते हैं उसको अच्छे तरीके से बोएं, अच्छे तरीके से उसकी जो भी बेसिक एक्टिविटी करनी है वो करें, और लास्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो, वो होता है क्रॉप प्रोडक्शन, जिनकी फसल को उगाना और वहाँ से उसका जो रिजल्ट है, जो हार्वेस्ट करके जो मैच्योर ग्रेन हमारे पास होना चाहिए वो प्राप्त करना। आगे आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीन्स ये है यहाँ कि जो फसल हमने अभी ग्रो करवाई है उसको हम एक या दो दिन में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए उसको हम एक सिस्टमेटिकली तरीके से मैनेज करके रखें, स्टोर करके रखें, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो विदाउट एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम दूसरा वर्ड पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोविंग प्लांट एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर साइंस की वह ब्रांच है जिसके द्वारा एक ह्यूमन बींग को प्लांट को ग्रो करना या निर्वाह करने के लिए कुछ प्लांट को ग्रो करवाना वो सिखाया जाता है या वो सिखाती है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। हिंदी में इसका मीन्स होता है खेती करना या कृषि करना, तो ये है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फार्मिंग। वट इज़ फार्मिंग? द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट इन ए फार्म इज कॉल्ड फार्मिंग। कि प्लांट को कल्टिवेट करना यानी कि ग्रो करवाना एक फार्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं फार्मिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? द क्रॉप इज द सेम काइंड ऑफ द प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब होता है फसल, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ सेम काइंड ऑफ द प्लांट यानी कि एक ही जैसे बहुत सारे प्लांट को एक ही प्लेस के ऊपर बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करवाना, यानी कि एक जैसे पौधों को बहुत बड़े एरिया पे कल्टीवेट करना, ये कहलाता है फसल यानी कि क्रॉप। एक जो वीट का प्लांट है, जैसे अभी टाइम है वीट का, एक जो वीट का प्लांट है वो आप देखेंगे उसी प्लांट जैसे हजारों लाखों जो प्लांट है वो आपको एक खेत के अंदर एक फील्ड के अंदर मिलेंगे, यानी कि उसी एरिया में एक जैसे प्लांट मिलेंगे, तो वो क्रॉप होता है, यानी कि एक जैसे प्लांट बहुत सारे प्लांटों का एग्रीगेट क्रॉप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप द क्रॉप्स आर मेनली टू टाइप्स एंड नॉर्मली आर थ्री टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन और क्रॉप्स आर टू टाइप्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, बट नॉर्मली आर थ्री टाइप्स जायद क्रॉप्स। तो सीजन के बेस पे हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, रबी और खरीफ, और नॉर्मली जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, इसमें जायद क्रॉप्स है वो ऐड हो जाता है। तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जो रबी क्रॉप में नहीं होता वो खरीफ में होता है, जो खरीफ में नहीं होता वो रबी में होते हैं। बट जो जायद क्रॉप्स हैं वो इन दोनों से एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैटेगरी है क्रॉप्स की। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन दी रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रबी क्रॉप्स आर शोन इन दी अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्ट इन मार्च एंड अप्रैल। जो रबी क्रॉप होती है उनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है एंड हार्वेस्ट इन दी मार्च अप्रैल, और जो मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें इसको काट लिया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अक्टूबर और जो नवंबर है उस टाइम में थोड़ा थोड़ा ठंड होती है, बिल्कुल मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ठंडी का टाइम होता है अक्टूबर नवंबर, और जो मार्च अप्रैल में जब हम रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम में बहुत गर्मी आ जाती है। तो हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रबी क्रॉप्स को बोते समय सर्दी और काटते समय गर्मी की ज़रूरत होती है। इसके अपोजिट खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन दी जून जुलाई एंड हार्वेस्ट इन सेप्टेम्बर अक्टूबर। तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स को जून जुलाई में
बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, तो सेम फॉर्मूला यही अप्लाई होता है कि जून जुलाई में जब हम खरीफ क्रॉप को बोते हैं तो टाइम गर्मी का होता है, और जब हम इसको काटते हैं तो जो ठंडी है या जो सर्दी का जो शुरुआत है वो हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। रबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स हैं उनको हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर कॉल्ड समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि जो रबी क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स को सर्दियों में बोया जाता है इसलिए हम इनको विंटर क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप को गर्मियों में बोया जाता है इसलिए समर क्रॉप्स कहते हैं, रबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन। जो रबी क्रॉप है मानसून रेन के ऊपर ये डिपेंड नहीं होती। खरीफ क्रॉप आर डिपेंड ऑन मानसून रेन। खरीफ क्रॉप मानसून रेन के ऊपर डिपेंड होती है। रबी क्रॉप्स डू नॉट नीड मोर वाटर फॉर ग्रोन। खरीफ क्रॉप्स नीड मोर वाटर फॉर ग्रोन। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दोनों में जो फोर्थ पॉइंट है दोनों में रबी रबी लिखा गया है, तो खरीफ वाले में जो ये पॉइंट है ये खरीफ का पॉइंट है, रबी का पॉइंट नहीं। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पॉइंट नंबर फोर, खरीफ में रबी क्रॉप लिख दिया गया, वहाँ पे खरीफ क्रॉप आना चाहिए था। यानी कि जो रबी क्रॉप होती है इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो खरीफ क्रॉप होती है इनको पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं रबी क्रॉप मानसून के ऊपर या ज़्यादा पानी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इसलिए इनको सर्दियों में बोया जाता है। जो खरीफ क्रॉप है गर्मियों में बोया जाता है, मानसून रहने पर डिपेंड होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो रबी क्रॉप के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वीट, बार्ले, ग्रैम, मस्टर्ड और पी। वीट गेहूं, बार्ले जो जौ जिसको हम बोलते हैं, ग्रैम चना, मस्टर्ड जो सरों बोलते हैं उसको, सरों या सरसों, पी चना। तो खरीफ क्रॉप के वही एग्जाम्पल है राइस, कॉटन, पल्सिस, बाजरा, ग्राउंडनट, मेज। राइस, चावल, कॉटन, कपास, पल्सिस, दालें, बाजरा जो बाजरा होता है, ग्राउंडनट, मूंगफली, मेज, मक्की। तो यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि राइस और कॉटन या बाजरा मेज, इनमें क्या है, जैसे राइस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कॉटन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती पल्सिस को, ना बाजरे को, ना ग्राउंड नट को, ना मेज़ को, फिर भी ये खरीफ क्रॉप है। ऊपर हमने देखा कि इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन कॉटन को तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, जो ये क्रॉप्स हैं ये राइस की अल्टरनेट ऑप्शन में क्रॉप्स है। यानी कि अगर किसी फील्ड में या खेत में कोई जगह है, कोई एरिया ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हेयर, तो वहाँ पे हम राइस की जो क्रॉप है वो बो देते हैं, और अगर वहाँ पे पानी की कमी है तो जो अल्टरनेट ऑप्शन में क्रॉप्स हैं, पल्सीज हैं, कॉटन हैं, ये बो देते हैं, लेकिन रहेंगी दोनों खरीफ क्रॉप में। नीचे आप ये इमेज देख सकते हैं, रबी क्रॉप्स में वीट, ये वीट है, और खरीफ क्रॉप में जो राइस है उसकी फसल है। आगे है हमारा जैद क्रॉप्स, यानी कि जो जायद क्रॉप्स होती हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स। यानी कि जो दोनों फसलों के बीच में बोई जाती है उनको बोलते हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स आर दोज टाइप ऑफ क्रॉप्स विच ग्रो बिटवीन द रबी क्रॉप्स एंड खरीफ, यानी कि दोनों के बीच में इनको बोया जाता है। दूसरा पॉइंट है जायद क्रॉप्स ग्रो इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। यानी कि जो जायद क्रॉप्स हैं इनको फरवरी के मंथ में, मार्च या अप्रैल, यानी कि इन तीनों मंथ में इनको बो भी लिया जाता है और काट भी दिया, यानी कि एक प्रकार से मैच्योर भी हो जाते हैं, इनकी ज़्यादा जो लाइफ स्पेन है वो इनका नहीं होता। जायद क्रॉप्स हार्वेस्ट ए ग्रेट पावर ऑफ बियर ए लॉट ऑफ हीट। यानी कि जो जायद क्रॉप्स होती हैं ये गर्मी का जो टाइम होता है उसके में जो चलने वाली लू होती है, जो हीट एयर होती है उसको सहन करने की पावर जायद क्रॉप्स में होती है। एग्जाम्पल है कुकुम्बर, खीरा है, वाटरमेलन, तरबूज है, बिटर गार्ड जिसको हम करेला बोलते हैं, ये सारे के सारे जायद क्रॉप्स हैं। दूसरा, तो जो रबी क्रॉप्स में एक पॉइंट रह गया हमारा, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में क्या होता है, जो रबी क्रॉप होती है इनको हम असाडी की फसल भी बोलते हैं और जो खरीफ क्रॉप होते हैं इनको हम सावनी की फसल भी बोलते हैं। आगे है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो बेसिक प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो बेसिक प्रैक्टिस होती है जो एक फार्मर के द्वारा एक अच्छी फसल को या एक अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए जो बेसिक एक्टिविटी की जाती है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी कि किसान के द्वारा अच्छी फसल या अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए जो बेसिक एक्टिविटी की जाती है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर द बेसिक एक्टिविटी दैट परफॉर्म्ड बाय द फार्मर टू गेट गुड क्रॉप्स
आर्काड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बिना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अच्छी जो फसल है वो पैदा नहीं की जा सकती। एक फार्मर जो है वो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बेसिक जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनका पालन करता है, और हर एक किसान ऐसा करता है, क्योंकि इनके बिना जो फसल है वो अच्छी पैदावार दे ही नहीं सकती, प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता। तो इसके लिए जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, सबसे पहली प्रिपरेशन ऑफ सोयल, दूसरी सोविंग ऑफ सीड, तीसरी मैन्योरिंग, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो यह जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम कल करेंगे। वैसे प्रिपेरेशन ऑफ सोयल यानी कि सोयल को प्रिपेयर करना, सीड को जमीन में डालने से पहले यानी कि बोने से पहले हम सोयल को बिल्कुल नरम या बिल्कुल लूज कर लेते हैं, ताकि जो सीड है वो ईजिली जर्मिनेट कर जाए, उसको बोलते हैं प्रिपेरेशन ऑफ सोयल। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे मॉडर्न मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रैक्टर के द्वारा है या हम होई लो के द्वारा ऐसा करते हैं, जैसे बुल वगैरह हम इसमें यूज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है सोविंग ऑफ सीड यानी कि बीज बोना। जब हमारी जो सोयल है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है, उस टाइम पे हम जो अच्छी किस्म के जो अच्छी क्वालिटी के सीड होते हैं उसको हम सोयल में या ज़मीन में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं सोविंग ऑफ सीड। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है जब जो फसल है, जो क्रॉप है, जितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए, जब वो ज़मीन से या एक प्रकार से सोयल से नहीं मिलता, तब हम उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं मैन्योरिंग। और ये दो टाइप्स का होता है, एक ऑर्गेनिक होता है जो हम घरों में बनाते हैं, जिसको हम खाद बोलते हैं, देसी खाद या मैन्योर। दूसरा होता है फर्टिलाइज़र, जो हम दुकानों से फैक्ट्रियों से लेके आते हैं, वो होता है मैन्योर, जैसे DAP है, यूरिया है, BHC है, उसको हम बोलते हैं मैन्योरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, यानी कि टाइम के थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल में जो क्रॉप है उसके अंदर पानी दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। और इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड है या मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में आता है जैसे रहट है, ढेकली आता है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। मॉडर्न मेथड के अंदर आता है जैसे अगर हम बात करें स्प्रिंकलर मेथड है, ड्रिप इरिगेशन है या पाइप फिटिंग है, ये बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जो इरिगेशन के हैं, जो मॉडर्न मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। जैसे हमने सोयल को प्रिपेयर किया, जब सोयल बिल्कुल प्रिपेयर होगी हमने उसके अंदर बीज डाल दिया, जब हमने उसके अंदर बीज डाला तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा खाद डाल दिया, ताकि जो हमारा बीज है या जो सीड है उसको न्यूट्रिशन बिल्कुल सूटेबल अमाउंट में प्राप्त हो। फिर उसके अंदर हमने पानी डाल दिया यानी कि इरिगेशन प्रोसेस हुई। जब हमने उसको पानी दे दिया, सीड हमारे पास है, अच्छी सोयल की हमने प्रिपरेशन की थी और मैन्योर हमने दे, तो जो हमारा सीड है वो मैच्योर होने लगता है, उसके अंदर जो नेक्टर है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे इंसेक्ट उस प्लांट को या जो आपकी क्रॉप है उसको ख़राब करने के लिए आ जाते हैं, इंसेक्ट है। और जैसे जैसे आप खाद या मैन्योर डालते हो, पानी देते हो, तो ऐसे ठीक उसी प्रकार बहुत सारे अनवांटेड प्लांट जिसको हम वीड कहते हैं वो भी साथ में ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे हमारे को ज़रूरत होती है अपनी क्रॉप को इन इंसेक्ट से या इन वीड से बचाने की। तो ये होती है आपका जो 5 पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि हमारी फसल को इंसेक्ट ख़राब ना करें या जो वीड अनवांटेड प्लांट ग्रो हुए साथ में वो ज़्यादा कंप्लीट ना करें, कंपटीशन ना करें खाद के लिए, पानी के लिए या एक प्रकार से सनलाइट के लिए, वो कंपटीशन ना करें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। बहुत सारे जो खुरपी मेथड है या अगर हम यूज़ करें DDT का हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये मेथड होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए। 6th पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना। जब फसल हमारी बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, मैच्योर फसल को काटना यानी कि द कटिंग डाउन ऑफ द क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड, सॉरी, हार्वेस्टिंग यानी कि जो आपकी फसल है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाती है उसको काटना यानी कि उसके चाप से उसके ग्रेन को अलग करना कहलाता है हार्वेस्टिंग। यानी कि हार्वेस्टिंग हमारी लास्ट प्रोसेस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो ये लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, यानी कि अब हमारी जो फसल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, उसका जो ग्रेन है वो हमने अलग कर लिया, उसका जो चाफ है यानी कि जो भूसा होता है वो हमने अलग कर लिया, जो हमारे काम का नहीं होता। तो ये होती है हार्वेस्टिंग।
अब हमारे को जरूरत है सेवन्थ पॉइंट स्टोरेज की। स्टोरेज का मतलब होता है उसको भंडारण करना, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्लांट, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप या प्लांट, तो वी स्टोर द क्रॉप फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी कि आगे आने वाले टाइम में हम उस फसल को यूज़ कर सकें, इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जो होती है मैनेजमेंट या स्टोरेज। तो जो गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से, हर एक किसान अपने अपने तरीके से अपनी जो फसल है जो उसको फ्यूचर में चाहिए है उसको स्टोर करता है। जैसे गोदामों के अंदर गवर्नमेंट जो अनाज है, जो वीट है, उसको यूज़ करती है। हमारे घरों के अंदर जो ड्रम है उसके अंदर हम अपनी वीट को यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी जो एक किसान अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए करता है। जो जो बाकी इसकी डिटेल होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास किताब है, आप किताब में इसे भी इसको मैच करके देख सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो तो इसको तुम थोड़ा सा अपने तरीके से